स्टार्ट करूं? जी जी बिल्कुल। बीच का स्ट्रीम बताओ, मुझे मालूम पड़े कहां से दिख रहा है। हाँ अच्छा आपका स्ट्रीम, एक मिनट। मुझे क्या दूर से दिखाई नहीं देता। आरती के सी चरणों में कोटि कोटि वंदन, मंगल भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां, कामदं मोक्षदं च एव, ओंकाराय नमो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ पुनस्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्वनि प्रयोग, ओम की ध्वनि 5 बार, लंबा गहरा श्वास लें। महाप्राण ध्वनि चित्त को ज्ञान के चोटी के स्थान पर केंद्रित करे, वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करे, नाक से बौरे की गुंजन की तरह लय पदावास करे, लंबा गहरा श्वास करे।
दोनों हाथों में एक दो 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 लेफ्ट हाथ नीचे राइट हाथ ऊपर एक दो तीन चार 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 हाथ बदली लेफ्ट ऊपर राइट नीचे एक दो तीन चार 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 रिलैक्स सर्वाइकल के लिए लेफ्ट हाथ नीचे राइट हाथ ऊपर इस ढंग से उंगलियों को मोड़कर आपस में लोड कर लेफ्ट हाथ नीचे राइट साइड से ऊपर उठाएं एक कोहनी गर्दन के पीछे जाएं दो सेंटर में पूरा खींचें तीन लेफ्ट से बाहर निकालें चार मूल स्थिति में ले आए एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार हाथ बदले अब लेफ्ट साइड से ऊपर एक दो तीन राइट से बाहर चार एक दो तीन 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 चार रिलैक्स हाथों के उंगलियों को आपस में लोड़ सांस भरते हुए पूरा तनाव देते हाथों को ऊपर की ओर उठाएं गर्दन के पीछे पूरा खींचा सांस भरते हुए अब सांस छोड़ते हुए अब राइट अब लेफ्ट अब राइट up left up दोनों हाथ गर्दन के पीछे एंटी प्रेशर गर्दन को पीछे लगा दे हाथों को आगे सांस भरे छोड़े भरे
बड़े छोड़े राइट हैंड राइट पार पर एंटी प्रेशर सांस भरे छोड़े बड़े छोड़े बड़े छोड़े लेफ्ट हैंड लेफ्ट गाल पर एंटी प्रेशर सांस भरे छोड़े बड़े छोड़े बड़े छोड़े दोनों हाथ समन्वय होगा हाथों को घोरा कर घुमाए आगे से पीछे कोहनी मिला सके श्वास भरे छोड़े पुनः श्वास भरे पीछे जाके छोड़े पूरा श्वास भरे सांस छोड़ते हुए कोहनी मिला दे भरे छोड़े भरे छोड़े भरे छोड़े भरे छोड़े राइट हैंड की कोहनी को ऊपर की ओर लगा दे छोड़े लेफ्ट अप डाउन कमर के लेफ्ट है रिलैक्स कोई भी आसन अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें जबरदस्ती किसी भी आसन में न करें धीरे धीरे उसकी सीमा को बढ़ाएं अपनी अवस्था के हिसाब से करें वह भी आप ध्यान दें अपने स्थान पर आप लेट जाए दोनों पैर मिला दोनों हाथ साथल के पास पतेलियां जमीन से लगी उत्तान पादासन सांस भरते हुए दोनों पैर 30 डिग्री पंजे आगे की ओर खींचे हुए दृष्टि पैर के अंगूठों पर पेट में होने वाले तनाव का अनुभव खिंचाव का अनुभव स्लोली डाउन रिलैक्स पुनः 30 डिग्री सांस भरते हुए अप एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और 10 स्लोली डाउन रिलैक्स जहां घुटने दिखाई देने लग जाए उतना ऊपर उससे ज्यादा ऊपर नहीं सांस भरते हुए आ पंजे आगे की ओर खींचे हुए घुटनों को सीधा रखने की कोशिश पेट में होने वाले तनाव का अनुभव टांगों में आने वाले खिंचाव का अनुभव स्लोली डाउन रिलैक्स पुनः 60 डिग्री सांस भरते हुए अप एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और 10 स्लोली डाउन रिलैक्स अर्ध हलासन
दोनों पैर मिला ले, दोनों पैर एक साथ, सांस भरते हुए 90 डिग्री, एकदम सीधा नॉर्मल ब्रीदिंग, पंजे ऊपर की ओर खींचे हुए, दृष्टि पैर के अंगूठों पर, कुछ सेकंड रुकने का प्यास, स्लोली डाउन, रिलैक्स. दोनों हाथ पीछे लंबे कर दिए, हृदय स्तंभासन, दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर सांस भरते हुए एक साथ, हृदय की तरफ देखे, डाउन, पुनः एक बार सांस भरते हुए अप, डाउन, रिलैक्स, शरीर को धीरा छोड़ो, तैयार, अर्ध पवन उत्तासन, राइट पे सांस भरते हुए छे, राइट पैर को राइट साइड में ले जाए, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए घुटना फोल्ड करें, हाथों से लो करें, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाने की कोशिश, पेट पर का दबाव, सांस भरते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, रिलैक्स, तैयार, लेफ्ट, सांस भरते हुए छे, अप, लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड में ले आ, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए घुटना फोल्ड करें, हाथों से लो करें, सांस छोड़ते हुए नाक घुटने से लगाने की कोशिश, पेट पर का दबाव, सांस भरते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, रिलैक्स, तैयार, पवन मुक्तासन, सांस भरते हुए दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर को राइट साइड ले जा, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए दोनों घुटने फोल्ड कर, हाथों से लो करें और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटनों के बीच लगाने की कोशिश, सांस भरते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, और रिलैक्स, दोनों पैर एक साथ, सांस भरते हुए छे, दोनों पैर को लेफ्ट साइड में जा, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए दोनों घुटने फोल्ड कर, हाथों से लोक करें और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटनों के बीच लगाएं, सांस भरते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, और रिलैक्स, शरीर को धीरा छोड़ो, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, राइट पैर को फोल्ड कर, पंजे को पकड़ ले, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नाक को पैर के अंगूठे से लगाएं, सांस भरते हुए गर्दन नीचे,
छूते पैर सीधा फिर लेफ्ट पैर को फोल्ड कर पंजे को पकड़े श्वास भरे श्वास छोड़ते हुए नाक को पैर के अंगूठे से लगाने की कोशिश श्वास भरते हुए गर्दन दिखी श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा रिलैक्स कोहनियों के बल बैठे पूरा वजन कोहनी पर राइट पे 30 डिग्री अब पंजा आगे की ओर खींचा हुआ दृष्टि पैर के अंगूठे पर पैर में होने वाले तनाव का अनुभव खिंचाव का अनुभव दो डाउन लेफ्ट अप दोनों पैर 60 डिग्री अप योगी स्टाइल पूरा पैर खोले पूरा फोल्ड करें एंटी क्लॉकवाइज और रिलैक्स शरीर को ढीला छोड़ धीरे धीरे लेफ्ट करवट बदलते हुए पेट के बल लेट जाए भुजंगासन दोनों हाथ कंधे के समांतर एक एक फुट की दूरी पर ललाट जमीन से स्पर्श श्वास भरते हुए केवल गर्दन अब गर्दन को इसी स्थिति में रखते हुए मुंह से उपकाटते हुए श्वास छोड़ श्वास भरते हुए सीने का पूरा हाथ अब दृष्टि सामने रहे सांस छोड़ते डाउन पुनः सांस भरते हुए सीने का पूरा हाथ अब दोनों हाथ करीब है हथेलियों के बीच 4 से 6 इंच की दूरी हथेलियों को सीने के नीचे स्थापित कर सांस भरते हुए केवल गर्दन अब मुंह से पुकारते हुए सांस छोड़े सांस भरते हुए नाभि तक का भाग अब दृष्टि छत की उन्हें एक बार सांस भरते हुए नाभि तक का भाग अब डाउन तिरक भुजंगासन सांस भरते हुए नाभि तक का भाग अब राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी को देखें गर्दन सीधी डाउन सांस भरते हुए नाभि तक का भाग अब लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी को देखें गार्डन सिटी डाउन दोनों हाथ और करीब है पसलियों से सटा दे सांस भरते हुए केवल गर्दन अब मुंह से सांस छोड़े
सांस भरते हुए सीने का पूरा भाग, साथ में दोनों हाथ डाउन, आराम की मुद्रा। दोनों हाथ आगे की ओर फैला दें, लगा जमीन से इस पर, सांस भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ ऊपर उठाएं। अब नाव की तरह आपको दिमाग है, डाउन रिलैक्स, पुनः एक बार सांस भरते हुए आ, डाउन रिलैक्स। शलभासन, दोनों हाथ साधक के पास, पसीने या जमीन से लगी हुई, छुट्टी जमीन से लगी हुई, दृष्टि सामने, सांस भरते हुए राइट पे सीधा सीधा ऊपर उठाए, आ डाउन लेफ्ट, सांस भरते हुए अप, डाउन, दोनों हथेलियां जंगा के नीचे, दोनों हथेलियों का ताना रखते हुए, दोनों पैर एक साथ, सांस भरते हुए अप, डाउन रिलैक्स, आराम की मुद्रा। मकरासन, स्थिति बनाए, दोनों कोने में जितना अधिकतम फासला रख सके फासला करें, कहां कहां खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, उसका अनुभव करें। लेफ्ट मुष्टि, उसके ऊपर राइट मुष्टि, उसके ऊपर छुट्टी, दृष्टि सामने, बारी बारी एक एक पे राइट से प्रारंभ करें, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप down, up, down, up, down, up, down, up, down, दोनों पैर एक साथ, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, कुछ कर लेंगे। धीरे धीरे बैठिए मुद्रा, सांस भरते हुए भुजंगासन, पूरे शरीर में तनाव, श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर, श्वास छोड़ते हुए आराम से बैठे। दोनों पैर खोल, दोनों हाथ दंडासन की स्थिति में, हथेलियां पीछे की ओर मुड़ी, सांस भरते हुए दोनों पैर अपने ओर खींचे, पिंडलियों में होने वाले तनाव का अनुभव करें, सांस छोड़ते हुए डाउन, 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 जल्दी जल्दी अप डाउन, गोला था, दोनों पैरों को एक साथ रोटेट करें,
एंटी क्लॉकवाइज विपरीत। दोनों पैरों को आपस में टकराए, दोनों पैरों के बीच फासला, अंगूठा जमीन पर लगाने की कोशिश। दोनों पैर मिला, एक एक घुटना अलग अलग अप डाउन। दोनों घुटने एक साथ, दोनों पैर एक साथ खोल रहे हैं, एक साथ खोल रहे हैं। वक्र राइट पे सीधा, लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट पैर को क्रॉस करें, राइट हैंड को ऊपर उठाएं, राइट की कोहनी से घुटने को दबाते हुए इसी पैर के टखने को पकड़ें और जो हाथ पीछे उसकी तरफ देखें, पेट पर पूरा दबाव, कमर में खिंचाव। पैर बदले, राइट पैर को फोल्ड करें, क्रॉस करें, राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, लेफ्ट की कोने से घुटने को दबाते हुए इसी पैर के टखने को पकड़ें, जो हाथ पीछे की तरफ देखें, दोनों पैर मिला, दोनों हाथ घुटनों पर, लेफ्ट राइट, दोनों पैर आप नजदीक लें, बटरफ्लाई, घुटनों को अप डाउन करें। आसन जो हम आपको करवाते हैं तो उसका सिस्टम यह रहता है कि जिस प्रकार निसर्ग से बच्चा जब पैदा होता है तो पहले पीठ के बल लेटता है, फिर धीरे धीरे वह पेट के बल लेटना सीखता है, फिर धीरे धीरे बैठना सीखता है और फिर खड़ा होना सीखता है। तो आसन का भी सिस्टम यही है कि पहले पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन किए जाए, फिर पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, फिर बैठ कर किए जाने वाला आसन और फिर खड़े की होकर किए जाने वाला आसन। ये सब आसन निसर्ग से लिए गए, प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसी के आधार पर प्रकृति के साथ एकाकार होने के लिए ये आसन किए जाते हैं। जैसे ताड़ासन तो ताड़ के वृक्ष से लिया गया क्योंकि वह लंबा और ऊंचा होता है, तो हमारी लंबाई बढ़ाने के लिए ताड़ासन। शशांक आसन जैसे शशांक अर्थात खरगोश से, खरगोश की जैसी आकृति है वैसे आकृति बनती है, तो पशुओं से प्रकृति से जैसा भी आकार है उस आकार को अपने में ढालना, इस ढंग के आसनों का नाम भी प्रकृति के आधार पर ही दिया गया है। और हम जब ध्यान करेंगे आज भी श्वास प्रेक्षा का अभ्यास हम करेंगे तो प्राणायाम के कुछ समय बाद आज हमारा लगभग 25 मिनट श्वास प्रेक्षा का अभ्यास होगा। श्वास प्रेक्षा ये कायोस्तर के बाद मूल आधार बनता है ध्यान की गहराई में जाने का। जब तक हम अपने श्वास को नहीं जानेंगे, क्योंकि प्रगति के लिए हम भौतिक जगत में बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं, पर जो सहज रूप से हमारे पास उपलब्ध है उसको कभी हम देखने की चेष्टा नहीं करते। श्वास आता है जाता है केवल उससे जाने। आप सोचेंगे उसके जाने से होता क्या है, वही तो एक माध्यम है जो हमारे शरीर के साथ और आत्मा के साथ
स्थापित करता है। अगर श्वास रुक गया तो आपका शरीर अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी। तो ये प्रसक्तता का भेद श्वास के द्वारा ही मालूम पड़ता है, हमारे भीतर कैसे हम पहुंचे, कैसे घर रहे आत्मा से साक्षात्कार करें, उसके लिए श्वास परीक्षा बहुत जरूरी है। और श्वास परीक्षा एकाग्रता को बढ़ाती ही बढ़ाती है, हमारे शरीर को स्वस्थ भी करती है, क्योंकि जितना गहरा श्वास हमारा होगा उतने ऑक्सीजन शरीर के भीतर जाए, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर जाए तो रक्त की शुद्धि होगी और कोशिका के अंतिम छोर तक हम श्वास हम ऑक्सीजन को पहुंचा पाएंगे। तो हम श्वास परीक्षा भी करेंगे, करें वज्र आसन। योग श्वास भरे, श्वास छोड़ते धीरे धीरे आगे झुके, ललाट जमीन से स्पर्श करें, श्वास भरते हुए आप दृढ़ मंडूकासन, दोनों हाथों की मुष्टि बंद, नाभि के दोनों लगाए, श्वास भरे, श्वास छोड़ते धीरे धीरे आगे झुके, दृष्टि सामने रहे, श्वास पर चिंता, लेफ्ट मुष्टि उसके लेफ्ट हथे नाभि पर, राइट के ऊपर श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, दृष्टि सामने आ रे, उष्ट्रासन, दोनों पंजे खड़े कर ले, इस ढंग से खड़े कर दोनों हथेलियां एड़ियों पर, हड्डियां की तकलीफ वाले इस आसन को नहीं कर, दोनों एड़ियों पर दबाव देते हुए पूरे शरीर के बाहर ऊपर उठा, गर्दन को पीछे रखा और आ थोड़ा आगे झुके और खड़े हो जाए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथों मिलो, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए पंजों के बाद पूरे शरीर में तनाव है, खींचे ऊपर, श्वास भरते हुए एड़ियां नीचे, श्वास छोड़ते हुए हाथ, एक बार और श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए पंजों के बाद पूरा तनाव, श्वास भरते हुए एड़ियां नीचे, श्वास छोड़ते हुए हाथ, थोड़ा दोनों पैरों के बीच कंधे के समानांतर फासला, राइट हैंड का श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए आप, लेफ्ट हैंड का श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड की, हनुमान आसन, राइट पैर आगे लेफ्ट पैर पीछे, साइटिका वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है, जिस पैर में साइटिका नाम में खिंचा आ रहा है वो पैर को पीछे रखे, दूसरा पैर स्थान से बैंड करें, दोनों हाथ घुटने पर, सांस भरते हुए आ आ आ पूरा तनाव है, सीधा पैर बदले, लेफ्ट घुटना को सांस भरते हुए आ आ आ पूरा तनाव, आराम से बैठ, सहज रूप से जिस भी आसन आप लेट पाए उस आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ध्यान, आंखें कोमलता से बंद, प्राणायाम पूरक रेचक कुंभक की क्रिया, पूरक का तात्पर्य पूरा सांस भीतर भरना, रेचक का तात्पर्य पूरा सांस रेचन कर देना, खाली कर देना, और कुछ नहीं बोलो वहां कुंभक करें अर्थात सांस को रोके, हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले सांस रोकने का अभ्यास न करें, बाकी भी जिनको बेचैनी होती हो तुरंत सांस छोड़ें,
जबरदस्ती सांस को न रोके पूरा, रेचर पूरा, रेचर पूरा, रेचर पूरा, रेचर नॉर्मल ब्रीदिंग सामान्य श्वास का, कपाल बांध सांस को तेजी के साथ छोड़े, व्यर्थ पूर्वक छोड़े। जैसे ही सांस छोड़े नाभि पर चोट हो, पेट भीतर की ओर नीचे, सांस लेने में कोई व्यर्थ नहीं, स्वाभाविक रूप से सांस लें। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले अथवा पेट का कोई अभी अभी ऑपरेशन करवाया तो सामान्य गति से करें, बाकी मध्यम गति से। थकान आ जाए, चक्कर आने लगे, पेट में खिंचाव होने लगे, तुरंत रुक जाए, जबरदस्ती न करें। सहजता के साथ पूरे मनोपूर्वक करें कपाल। विलय मंद श्वास, धीमी धीमी श्वास, धीमी धीमी श्वास, चंद्र भेदी प्राण लेफ्ट हैंड ज्ञान होता, राइट की तरह नहीं होती, दोनों राइट नॉस्टिक left situation,
राइट से नहीं, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से नहीं, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से नहीं, और लेफ्ट से छोड़ें, रिलैक्स, दोनों हाथ ध्यान, उस प्रकृति का तेजी से सांस प्रस्थान, पेट का ले चलन साथ साथ है, पेट में खिंचावाए तो तुरंत रुक जाए, मंद सांस, अनुलोम विलोम, लेफ्ट हैंड का अनुभव, राइट की तरह पूरी दोनों टुकड़े के बीच, राइट नोस्टल का अनुभव, लेफ्ट पर मिडल का अनुभव, जेल की अभिष्टि, लेफ्ट से धीमे धीमे सांस भीतर भर, राइट से धीरे धीरे छोड़, राइट से धीरे, लेफ्ट से छोड़, लेफ्ट से रिंग, राइट से छोड़, राइट से रिंग, लेफ्ट से छोड़, लेफ्ट से रिंग, राइट से छोड़, राइट से रिंग, लेफ्ट से छोड़, left to the right is pulling, right to the or left to the pulling, किसी भी ऐसे सुखद आसन का चुनाव करें जिसमें सुखपूर्वक 25 मिनट तक बैठ सके। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा वज्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा वीतरा मुद्रा, लेफ्ट तेरी नाभि के नीचे और राइट तेरी उसके ऊपर, आंखें कोमल तस्वन बिना दबाव, पांच बार महाप्राण ध्वनि, लंबा गहरा सांस, अपग मापरेण
आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ज्ञान का संकल्प सभी दोहराएं, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं, मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। वायु स्तर शरीर को स्थिर एवं शिथिल करें, प्रतिमा की भांति शरीर को निश्चल एवं अडोल रखें, कोई हलन चलन नहीं, शिथिलता का सुझाव, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया, शिथिल हो गया। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। वायु गुप्ति का अभ्यास शरीर की स्थिरता को साधें, धीमी धीमी लंबा गहरा सांस लें,
धीमे धीमे श्वास छोड़ेंगे। पहली बार श्वास को लेने एवं छोड़ने में जितना समय लगा, प्रत्येक श्वास को लेने एवं छोड़ने में उतना ही समय लगा। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंचे, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, अनुभव करें। जब हम श्वास लेते हैं तो पेट की मांसपेशियां फूलती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। श्वास भीतर, पेट बाहर, श्वास बाहर, पेट भीतर, पूरी एकाग्रता के साथ। मन इधर उधर भटकने लगे तो श्वास संयम का प्रयास करें, बीच बीच में श्वास का कुंभक करें, अथवा जीवा को पलट कर तार से लगा दें। चित्त को नाभि से हटाकर नाक के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते सांस प्रश्वास का अनुभव करें। आते हुए सांस को आता हुआ जाने, जाते हुए सांस को जाता हुआ जाने। कोई भी श्वास बिना जानकारी भीतर प्रवेश न करे, बिना जानकारी बाहर न निकले। श्वास के प्रति पूरी सजगता एवं एकाग्रता।
अनुभव करें, केवल मात्र सांस प्रस्थान अगर मन भटकने लगे उसे भी स्वीकार करें। यही वर्तमान क्षण का सत्य है कि मेरा मन भटक गया, पुनः श्वास पर केंद्रित कर दें। आप स्वयं अनुभव करेंगे आपका स्वास्थ्य धीमी गति से आ रहा है, धीमी गति से जा रहा है। श्वास की गति बहुत ही मंद हो गई है, कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे श्वास थम गई। और ये भी अनुभव करें कि मुश्किल से नए अभ्यासी के लिए 2 मिनट 4 मिनट भी ध्यान हम श्वास पर केंद्रित नहीं कर पाते और पुनः मन भटकने लग जाता है। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा श्वास के प्रति एकाग्रता हमारी सदेगी, श्वास के स्पर्श का अनुभव करें। श्वास कहां कहां स्पर्श हो रहा है, नाक की नलियों के भीतर, नाक की भीतर की दीवारों पर या ऊपर वाले होंठ के ऊपरी भाग पर और नाक के ठीक नीचे कहीं न कहीं श्वास के स्पर्श का अनुभव होता है। अनुभव करें जब हम श्वास लेते हैं तो नाक के भीतर ठंडक का एहसास होता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो गर्माहट का पूरा अनुभव करें।
केवल मात्र श्वास प्रश्वास ही ध्यान में रहे। चित्त को ज्योति के ललाट के बीचों बीच केंद्रित कर लेते। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। पूर्णिमा के चंद्रमा के बाद चमकता हुआ श्वेत रंग रंग के परमाणु को पूरी ललाट में फैला दे। पूरी ललाट रंग के परमाणु से भर गई। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर भर गए। शांति व आनंद का अनुभव करें। शांति व आनंद का अनुभव करें। विवेक अपना सच में से जा मैं तिम्बुए सुखा पाए। अपना सच में से जा मैं तिम्बुए सुखा पाए। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करें। आहंसुवेचा चरणं कमोकम् आहंसुवेचा चरणं कमोकम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या आचार का अनुशीलन करें। विद्या आचार के अनुशीलन से दुख मुक्त होते हैं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें। शरण सूत्र अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपणत्तम् दम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अर। धीरे धीरे दोनों हथेली आंखों पर लगा दें। आंखों की जल की मालिश करें और धीरे धीरे आंखें जमीन की ओर करें। परमेश्वर नमस्कार। ओम रेम नमो अरहंतां। श्वास पर फिर दो हाथ ऊपर श्वास छोड़ते हैं। ओम रेम नमो सिद्धानं। श्वास पढ़ते ऊपर मुक्का बढ़ाए श्वास छोड़ते रहिए। ओम रेम नमो आयतयानं। श्वास पढ़ते तो हाथ साइड श्वास छोड़ते रहिए। ओम रेम नमो वज्रायानं। श्वास पढ़ते नीचे से ऊपर गए श्वास छोड़ते रहिए। ओम रेम नमो डोरे तपसा गुणम अंजलि मुद्रा। श्वास पढ़ते हुए ऊपर उठाए
पांच छोड़ के अर्पण करें, दोनों हाथ जोड़े, अपने आप को भावित करें, सभी उच्चारण करें, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम 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 नमः। कै अपने भीतर हास्य को प्रस्तुत करने ओम अरहम तु गुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम तथा ज्योतनी हम सब गुरुदेव के आभारी है, तथा ज्योतनी हम सब गुरुदेव के आभारी है, तथा ज्योतनी हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोश्मि, हम सब आपके भी आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच शांतिलाल जी सर, ऑल द साधक। कल सुबह हम फिर मिलेंगे 7 बजे। ओम अरहम।